मैडम शीशा ले लो। अरे भैया बोल दिया ना नहीं चाहिए शीशा। मैडम बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बजट में भी है आपके। नहीं चाहिए, मना कर दिया ना। अरे साहब आप बोलो ना मैडम से, शीशा ले लेंगे। अरे प्रीत क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो बस फोन देख रही थी। मैडम ले लो ना शीशा। तू अभी तक यहाँ पर है, तू गया नहीं? अरे बोल तो दिया नहीं चाहिए शीशा, गाड़ी में ऑलरेडी इतने सारे शीशे हैं, जा यहाँ से। ठीक है साहब मैं चलता हूँ। चले अब? हाँ चलो। एक सेकंड यार राज, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, पानी है क्या? अरे अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब ये चक्कर कैसे आने लगे? पता नहीं एकदम से लगता है तबीयत खराब हो गई, पानी दो ना। एक मिनट। अरे यार प्रीत पानी तो है नहीं इसमें, तुम एक काम करो 5 मिनट रुको मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है। चलो एक सेकेंड, वो मैं अपना फोन तो भूल ही गई, लेकर आओ जल्दी से। अपनी जवान से ना मेरा नाम भी मत ले देना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। अरे अपने आशिक के साथ भाग रही थी, वो भी बीमारी का नाटक बना के। आशिक राज के तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरा कोई आशिक नहीं है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे चक्कर आ रहे थे, तो हाँ जब मुझे कोई नहीं मिला तो मेरे इनसे हेल्प मांगी, ये तो मेरी हेल्प कर रहे थे, मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है। हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मैंने देखा इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए मैं इनको हॉस्पिटल लेकर चला गया। अबे साले तू तो चुप भी रह, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि किसी का घर टूट पा रहा है, और प्रीत तुम तो सोच लेती एक बार कि ये क्या कर रही हूँ मैं। राज ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, ये तो अनजान है, मैं तो उससे जानती तक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे चक्कर आ रहे थे, ये तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, और देखो ना तुमने मुझ पर खामखाई शक किया, तुमने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। अच्छा अपनी ना ये बकवास बंद करो, सारी सच्चाई का ना मुझे पता चल चुका है, और क्या कह रही थी तुम कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम सोच रही होगी ना कि मुझे कैसे पता चला, मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी जब वो भैया शीशा बेचने आए थे ना मुझे सारी चीज उन्होंने। मुझे सारी चीज उन्होंने अपने शीशा में दिखाई थी कि आप अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, समझी? और हाँ तुम क्या कह रही थी कि मैंने इससे हेल्प मांगी, तुम मुझे धोखा दे रही हो, अरे मैंने क्या कमी छोड़ी थी बताओ ना। अरे आज तो तुमने हादी कर दी, अरे तुम घर से नहीं भाग सकी तो तुम गाड़ी से भाग ली। देखो राज मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो क्या है ना मैं इसके बहकावे में आ गई थी, लेकिन तुम्हारी कसम मैं आज के बाद इससे कभी मिलूंगी भी नहीं, इससे बात तक भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, और तुम बोलोगे ना तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, मैं किसी से नहीं मिलूंगी, इससे बात तक नहीं करूंगी, बस प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। अच्छा रिश्ता, अरे रिश्ते की तो तुमने शर्म ही नहीं छोड़ी, अब तुम ना इसी के साथ रहना। अरे तुम मुझसे एक बार बोल के तो देखती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी,
अब ना हम तुम कोर्ट में मिलेंगे, जो भी फैसला होगा ना अब कोर्ट में होगा, ठीक है? अब तुम निकलो यहाँ से। राज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना जाओ।